एक कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था। कर आर फंक्शन रियल टू रियल बी ए फंक्शन, एक फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर है, को डोमेन भी आपका रियल नंबर। ये फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू फाइव कब होगा, जब एक्स आपका इज लेस देन इक्वल टू वन। एफ एक्स का वैल्यू ए प्लस बी एक्स कब होगा, जब आपका वन इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन थ्री। और आपको आपको एफ एक्स इक्वल टू बी प्लस फाइव एक्स, बी प्लस फाइव एक्स, बी प्लस फाइव एक्स कब होगा, जब आपको थ्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन फाइव। एफ एक्स का वैल्यू थर्टी कब होगा, जब आपको एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। कंटिन्यूटी, तो आपको यदि सपोज कर लेते हैं कि आपको कंटिन्यूअस फंक्शन है, यदि सपोज कर लेते हैं इफ लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू फाइव एंड एक्स इक्वल टू वन। जब आपको कंटिन्यूअस है तो आपका एक्स इक्वल टू थ्री पर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो आपको फंक्शन ऑफ आपका थ्री पता है, थ्री प्लस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ थ्री माइनस एच इक्वल टू फंक्शन ऑफ थ्री। फर्स्ट पहले सॉल्व कर देते हैं, इसी से पहले आपको अब आपका एफ एक्स का कंटिन्यूअस जब सपोज कर लिए तो किसी दो का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आपका एफ एक्स का वैल्यू आपका थर्टी कब होगा, एफ एक्स इक्वल किस पर कर रहे हैं हुआ, आपको थ्री लिखें, थ्री पर देखें, थ्री पर एफ एक्स इक्वल टू बी प्लस फाइव एक्स, एफ एक्स इक्वल टू बी प्लस फाइव एक्स, बी प्लस फाइव एक्स। इसमें दो रिलेशन है, थ्री से रिलेटेड दो रिलेशन है, थ्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स, थ्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो दो रिलेशन है तो एक्स इक्वल टू थ्री ही पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू थ्री तो एक्स का वैल्यू थ्री, बी प्लस थ्री रखिएगा यहाँ आपका फिफ्टीन, फिफ्टी निकल गया फंक्शन ऑफ थ्री। अब एक और है थ्री से रिलेटेड, एक आपका ये तो कर दिए, दो रिलेशन था थ्री इक्वल का निकाले, अब इससे निकाल रहे एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये कब होगा, जब आपका एक्स इज लेस देन थ्री, एक्स का वैल्यू थ्री से लेस होगा, तो थ्री से लेस होगा इसका मतलब एक्स आपका क्या है, किससे लेस है, थ्री से है, मतलब थ्री ग्रेटर है तो ग्रेटर में सब्ट्रैक्शन करेंगे तब लोअर के इक्वल होगा, एक्स आपका लोअर है, एक्स आपका छोटा है तो आपको ग्रेटर में आपको या आपको एक्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लोअर के इक्वल होगा। अब इसमें जहाँ जहाँ एक्स है थ्री माइनस एक्स रखते हैं और लिमिट लगा देंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू थ्री माइनस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो ए प्लस बी एक्स का वैल्यू थ्री माइनस एच, एक्स का वैल्यू रख दिए। अब आपको एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू आपका एच का वैल्यू जीरो है तो जब एच का वैल्यू रखेंगे जीरो तब लिमिट नहीं लिखेंगे, ए प्लस थ्री लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ थ्री माइनस एच, ये आपका हो गया। अब इसमें फ्रॉम वन में रख देते हैं, फ्रॉम वन में फंक्शन ऑफ थ्री प्लस एच, ये नहीं निकल इसका वैल्यू इस आपका ये हो जाएगा, आपको थ्री पर जो निकाले इक्वल टू का ही निकाल दिया, इसका वैल्यू निकल गया है ए प्लस
आपका यहाँ रखते हैं ए प्लस थ्री बी, ए प्लस थ्री बी इक्वल टू आपका फंक्शन ऑफ थ्री, फंक्शन ऑफ थ्री का वैल्यू आप निकाल दिए, फंक्शन ऑफ थ्री का वैल्यू बी प्लस फिफ्टीन, बी प्लस फिफ्टीन। इस प्रकार से आपका ए प्लस टू बी इक्वल टू फिफ्टीन, ये आपका सेकेंड, इसको ये सपोज कर लेते हैं। अब आपको कंटिन्यूस आपका अब देखते हैं फाइव पर, एफ एक्स आपका कंटिन्यूस है फाइव पर, यहाँ लिख दिए हैं तो आपका लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ फाइव प्लस एक्स, राइट साइड आपका लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ फाइव माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ फाइव। इसको इस प्रकार से लिख किताब में लिखा रहता है, लिमिट एक्स टेंस टू आपका आपको प्लस फाइव एफ एक्स, इस प्रकार से लिखा रहता है, लिमिट एक्स टेंस टू फाइव के ऊपर माइनस आपका लेफ्ट साइड एफ एक्स और फंक्शन ऑफ फाइव, हम ये यूज करते हैं। अब आपको इसको सेकेंड कर दिए, सेकेंड कर दिए तो आपको अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू थर्टी कब होगा, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। तो दो रिलेशन है, इक्वल टू का यूज करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइव तो आपका फंक्शन ऑफ फाइव का वैल्यू थर्टी, दो रिलेशन है हुआ। यदि एक्स ग्रेटर देन फाइव का यूज करेंगे तब पर भी आपको थर्टी आवेगा आपको। अब आपका फाइव दो रिलेशन है, फाइव इसका है, आपको इससे आप निकालते हैं एफ एक्स इक्वल टू बी प्लस फाइव एक्स, एफ एक्स इक्वल टू बी प्लस फाइव एक्स, ये कब होगा, एफ एक्स इक्वल टू आपका बी प्लस फाइव एक्स कब होगा, जब एक्स इज लेस देन आपका फाइव, एफ एक्स इक्वल टू बी प्लस फाइव एक्स कब होगा, जब एक्स इज लेस देन फाइव। एक्स किससे लेस है बुआ, फाइव से, मतलब फाइव क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर में हमेशा कांस्टेंट में ही एच का आपका एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एक्स इज लेस देन फाइव, बोले कांस्टेंट में ही एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करना है एच का, तो फाइव में आपको ग्रेटर है आपका, ग्रेटर में सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आपका लोअर के इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, वेयर एच टेंस टू जीरो। अब इसमें बिठाइए आपका फंक्शन ऑफ, जब एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट भी लेते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू फाइव माइनस एक्स, लिमिट एस टेंस टू जीरो बी फाइव एक्स का वैल्यू फाइव माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू फाइव माइनस है आपका एच। अब आपको एच का वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे बी प्लस ट्वेंटी। अब आपको इसमें सेकेंड में हम पुट कर देते हैं, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ फाइव प्लस एच, आपको इसका वैल्यू निकला हुआ है, इसका वैल्यू क्या है आपको बी प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फाइव, फंक्शन ऑफ फाइव का वैल्यू, फंक्शन ऑफ फाइव का वैल्यू यदि निकाले थर्टी, फंक्शन ऑफ फाइव का वैल्यू थर्टी, तो बी का वैल्यू क्या हो गया आपका फाइव, बी का वैल्यू फाइव हो गया। अब आपको ए का वैल्यू तो फ्रॉम ए आपका ए, फ्रॉम ए से आपका ए प्लस टू बी इक्वल टू आपका फिफ्टीन है, तो आपका बी का वैल्यू फाइव रखिए, तो बी का वैल्यू फाइव रखेंगे तो टेन हो गया फिफ्टीन, तो ए का वैल्यू आपका फाइव हो गया, मतलब बी का वैल्यू फाइव अब हुआ, क्या ये आपका बी का वैल्यू फाइव निकला था, बी का वैल्यू फाइव
आप यहाँ से आपको निकल गया बी प्लस, इसका वैल्यू क्या था हुआ आपको बी प्लस 25, सही है। बी प्लस 25 प्लस इसका वैल्यू फंक्शन ऑफ आई का वैल्यू 30, तो बी का वैल्यू 5। अब ये ना पुट कर दिए तो बी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू भी क्या हो गया 5। इस प्रकार से ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5। अब देखते हैं एक बच गया, वन बच गया, वन पर देख रहे हैं कंटिन्यूस रहेगा आपको, तो आपको ए बी का वैल्यू आपका सेम रहेगा। ए और बी देखिए, अब आपको थर्ड आपका एफ एक्स इक्वल टू वन का नहीं देखे थे, 3 और 5 का। अब वन पर देखिए लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस x। इसको मान लेते हैं थर्ड। अब आपको फंक्शन ऑफ, इसमें देखिए दो रिलेशन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5 ये कब होगा जब x इज लेस देन इक्वल टू 1। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू आपका 5। अब आपको दो रिलेशन में से इक्वल का इसमें यूज किए, अब आपको 1 इसमें है ये यूज करते हैं, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू a प्लस बी एक्स कब होगा जब 1 इज लेस देन x। आपका फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू आपका ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स कब होगा जब आपको 1 इज लेस देन x। 1 आपका लेस है किससे, x से, इसका मतलब 1 आपका लेस है, अगर लेस में हेडिंग करेंगे तब ग्रेटर के इक्वल होगा। अब आपको x का वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस x लिमिट एस टेंस टू 0 आपका a प्लस बी इंटू 1 प्लस x। अब आपको x का वैल्यू 0 पुट कर दें, a प्लस बी। अब आपको फ्रॉम थर्ड में रख देते हैं, फ्रॉम थर्ड, थर्ड में आपको फंक्शन ऑफ 1 प्लस x का वैल्यू रखते हैं तो ए प्लस बी, और फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू, फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू कहाँ निकाले हैं, फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 5, ए प्लस बी इक्वल टू 5। अब हुआ ए और बी का वैल्यू आपको ये निकला हुआ है, तो यदि ए और बी का वैल्यू इसमें रखते हैं तो यदि दोनों का सम 5 हो जाएगा तब आपको यह क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अब लेफ्ट साइड ए का वैल्यू क्या निकला है 5 और बी का वैल्यू 5 10 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया। इसका मतलब हो गया ए आपको, ए और बी का आपको कोई भी मान रहेगा एफ एक्स आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। ए और बी यदि आपका यहाँ आ जाता क्या आ जाता, आ जाता 5 आ जाता, ए प्लस बी इक्वल टू 5 आ जाता, तो आपको क्या आपको तीनों पॉइंट पर यह क्या हो जाता, कंटिन्यूस हो जाता। लेकिन राइट साइड के इक्वल नहीं आया है, 5 5 राइट साइड के इक्वल नहीं आया है, इसलिए यह आपका किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है। आपका इसका आपका नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ, यह आपका हो जाएगा नॉट कंटिन्यूस, यह कंटिन्यूस नहीं है, किस यह कंटिन्यूस नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए आर बी, ए आर बी का कोई भी रियल नंबर रहेगा उस पर यह कंटिन्यूस। देखिए एक्स का वैल्यू नहीं बोला जा रहा है आपको, आपको ए आर बी जो कांस्टेंट है ए आर बी, इसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर रहेगा कंटिन्यूस नहीं होगा। यदि यहाँ आपको ए प्लस बी इक्वल टू 5 जैसे क्या किए, दो इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको कहेगा 3 लाइंस रहेगा, कहेगा कंक्रेंट लाइन प्रूफ कीजिए,
तो आपको दो लाइन के इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। यदि तीसरा लाइन के इक्वेशन में रखते हैं, यदि राइट साइड के बराबर आ जाता है तो हम बोलते हैं दीज लाइन्स आर कंकरेंट लाइन्स। यदि आपका राइट साइड के बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे दीज लाइन्स आर नॉट कंकरेंट लाइन्स। तो यहाँ उसी के तर्ज पर है आपका ए आई फाइव और थ्री के द्वारा हम आपका वैल्यू ए और बी का वैल्यू निकालें, और वन के द्वारा एक्स इक्वल टू वन पर कंटिन्यूटी का टेस्ट, कंटिन्यूटी के द्वारा रिलेशन लाए ए प्लस बी इक्वल टू फाइव, ये इक्वेशन आ गया तीसरा इक्वेशन। इसमें ए और बी का वैल्यू पुट करते हैं तो आपको राइट साइड के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए न ये आपका नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी मतलब ए और बी के किसी भी मान के लिए यह कंटिन्यूस नहीं होगा। आर एक क्यू है, थीटा में समझिएगा क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू जीरो सच डैट आपका थ्री पी प्लस टू क्यू प्लस आपका फोर आर इक्वल टू जीरो। तो देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट क्या है इच लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, सेकेंड क्या है द लाइन्स आर कंकरेंट एट द पॉइंट, मतलब लाइन्स क्या है बिंदुगामी है, मतलब दोनों लाइन आपको जितना लाइन्स है वो एक ही पॉइंट से होकर इंटरसेक्ट करती है काटती है, हाउस आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है कंकरेंट पॉइंट्स का, या कंकरेंट लाइन्स का आपका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। सी है द लाइन्स आर पैरेलल, ये लाइन्स क्या होगा पैरेलल होगा आपको। बी है द लाइन्स आर नॉट पैरेलल, आपको दिया हुआ है गिवन दैट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू जीरो इज सच डैट या किस इस प्रकार से है इज सच डैट थ्री पी प्लस टू क्यू प्लस फोर आर इक्वल टू जीरो। तो देखिए पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर, तो देखिए आर के साथ कोई भी कोफिशियंट नहीं है तो यहाँ से फोर आपको हटा रहे हैं, तो फोर हटावेंगे तो क्या करेंगे थ्री पी प्लस टू क्यू प्लस फोर आर, फोर से लेफ्ट साइड डिवाइड आप फोर से राइट साइड डिवाइड, ये आपका थ्री बाई फोर पी आइए वन बाई टू बाई फोर आपका टू बाई फोर क्यू बाई फोर आर बाई फोर आर बाई आपका फोर इक्वल टू जीरो। थ्री यही आपका आ गया थ्री बाई फोर पी वन बाई टू क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। ये आपका इससे कंप्यूजन कीजिए थ्री एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू क्या है थ्री बाई फोर और वाई का वैल्यू वन बाई टू, मतलब आपका यह लाइन कंकरेंट लाइन है जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट थ्री बाई फोर वाई कोऑर्डिनेट वन बाई टू, मतलब द लाइन्स आर कंकरेंट लाइन एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको ये लाइन्स क्या है आपको आपका कंकरेंट लाइन्स है, द लाइन्स आर कंकरेंट आपको एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, आपका द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन्स आपका आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ द कंकरेंट लाइन्स आपका ये आपको इज थ्री बाई फोर वन बाई टू। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका फोर बी हो जाएगा, कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया, इसका मतलब आपका यह कंकरेंट लाइन्स है और कंकरेंट लाइन्स का आपका
आपको कह रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। इस इक्वेशन का रूट्स आपका आपको दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा, तो हमें फाइंड करना है अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। तो इस इक्वेशन का रूट्स क्या है, लिख देता अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है तो एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए और सी का वैल्यू टू बाई आपका टू, एक्स का वैल्यू आपका माइनस टू प्लस माइनस माइनस फोर बाई टू, इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस ये हो गया टू आई बाई टू। फोर इंटू माइनस वन का वैल्यू आई स्क्वायर, आई बाहर निकल गया, फोर का स्क्वायर रूट टू। अब आपको टू कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस वन प्लस माइनस आई बाई टू, यह आपका निकल गया एक्स का वैल्यू। यही आपका एक्स का वैल्यू क्या है, दो वैल्यू है, यही अल्फा एंड बीटा। अल्फा का वैल्यू माइनस वन प्लस आई अल्फा मान लिए तो बीटा क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस आई। अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा का वैल्यू माइनस वन प्लस आई और बीटा का वैल्यू माइनस वन माइनस आई। अब आपको अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 इसका वैल्यू निकालना है। अल्फा का वैल्यू माइनस वन प्लस आई टू द होल पावर 15 प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन माइनस आई टू द होल पावर 15। अब ध्यान देंगे इससे भी माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, इससे भी माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, आउट नंबर पावर है, यदि माइनस पर पावर आउट नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस इससे माइनस कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, वन माइनस आई टू द होल पावर टू। इससे भी माइनस कॉमन निकाले तो माइनस पर पावर क्या होगा, माइनस पर पावर आपका 15 माइनस, माइनस बाहर कर दिए प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब हमें इसी को सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, इसी को देखिए वन वन माइनस आई से इसको डिवाइड कर दिए तो वन माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन माइनस आई का पावर पावर क्या हो जाएगा 16। उसी प्रकार इसको वन प्लस आई से डिवाइड करेंगे तो वन प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन प्लस आई टू द होल पावर 15 इंटू वन प्लस आई क्या हो जाएगा, वन प्लस आई टू द होल पावर 16। अब देखिए इसे सिंपलेस्ट हल हो जाएगा। अब आपको माइनस आपको इसको लिख सकते हैं वन माइनस आई टू द होल पावर टू माइनस वन माइनस आई टू द होल पावर टू टू द होल पावर 8 पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा वन प्लस आई टू द होल पावर टू द होल पावर 8। यहाँ देखिए वन माइनस आई डिवीजन में यहाँ वन प्लस आई। अब आपको माइनस आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और माइनस टू आई टू द होल पावर 8 और नीचे हो गया वन माइनस आई प्लस
प्लस ये हो गया वन प्लस आई स्क्वायर प्लस टू आई टू द होल पावर एट बाई वन प्लस आई। हाँ देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन ये प्लस वन, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस वन प्लस। अब आपको माइनस माइनस पर पावर आपका आपको माइनस पर पावर टू तो क्या हो जाएगा टू द पावर सिक्सटीन टू द पावर एट टू द पावर एट क्या हो जाएगा 256। कॉमन निकाल लिए यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ आपको आई टू द पावर एट बाई वन माइनस आई वन माइनस आई, यहाँ क्या बचा टू द पावर एट कॉमन निकाल दिए हैं तो आई टू द पावर एट आप बाई वन प्लस आई, आई टू द पावर एट भी कॉमन ले लेते हैं तो 256। आई टू द पावर एट को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर फोर टू द होल पावर टू, आइए हो गया वन प्लस वन माइनस आई प्लस वन प्लस आई। आई टू द पावर फोर का वैल्यू क्या होता है वन, वन का स्क्वायर वन 256। आप इसको सॉल्व कीजिए वन माइनस आई बाई एस एम वन प्लस आई इंटू वन माइनस आई प्लस आई माइनस आई कैसे हो गया टू माइनस 256। ये क्या हो गया वन प्लस वन टू आई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आई ए हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन यही हो गया माइनस 256 और टू बाई टू ये कैंसिल हो गया आपको निकल गया माइनस 256। यही इसका आंसर होगा सी या इसका ऑप्शन इस प्रकार से ये बनेगा आपका पार्ट ऑफ द नंबर आपका इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है के बाई 15। तो हमें के का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ टू द पावर 403 15 का फ्रैक्शन पार्ट के बाई 15 है। इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालते हैं सोल्व करते हैं देखिए टू द होल पावर 403 बाई 15। अब इसको आप लिख सकते हैं टू द होल पावर 400 इंटू टू द होल पावर आपका 3 बाई 15। अब आपको टू द होल पावर 3 क्या हो जाएगा ये और टू द इसको लिख देंगे टू द होल पावर 4 का होल पावर 100। नीचे 15 है देख कर 15 लाना है तो आपको एट ये 16 हो गया इसको लिख सकते हैं वन प्लस 15 टू द होल पावर 100 बाई 15 मिला है। अब आपका 8 बाई 15 हम इसको आपको तोड़ते हैं 8 बाई 15 बाइनोमियल पर इसको तोड़िए 8 बाई 15 एक्सपेंड कीजिए वह अब आपको 1 प्लस 15 टू द होल पावर 100 आपको एक्सपेंड कर रहे हैं आपका 100 सी 0 फर्स्ट टर्म क्या है 1 है 1 पर पावर कुछ भी रहेगा आपको 1 ही रहेगा सेकेंड टर्म क्या है 15
सेकेंड टर्म पर पावर लोअर सफिक्स, लोअर सफिक्स होगा आपका 8/15, आपको 300 सी आपका 1 आपका 15 टू द होल पावर 1 प्लस आपको प्लस आपका प्लस 100 सी टू 15 टू द होल पावर 2 इस तरह से। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये कोफिशिएंट, ये टोटल है। तो आपको इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, इतना का K/15, K/ अभी कंपेरिजन कर रहे हैं, K/15 और इसमें क्या मल्टीप्लाइड है 8/15, मतलब K/15 आपका किसका K/15 है, 8/15 है, इसको समझिए K/15, K/15 इक्वल टू 8/15, 15 कैंसिल कीजिए, आपका K का वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगा 8। इस प्रकार से आपको K का वैल्यू फाइंड करना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की। एवरेज इसका नोटेशन इस प्रकार से, या कहीं कहीं प्रोबेबिलिटी में इस प्रकार से भी देखते हैं। तो x इक्वल टू एवरेज क्या जानते हैं, द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो आपका सिग्मा आपका x i x का वैल्यू आपका आपको 1 से आपका आई 1 से आई आपको 1 से आई इंटू बाई आपका एन क्या हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो देखिए 5 स्टूडेंट का एवरेज क्या दिया हुआ है, 5 स्टूडेंट का एवरेज आपका एवरेज हाइट है 150, आई निकल जाएगा द सम ऑफ द आपका टोटल, आपका टोटल पर्सन के हाइट का सम निकलेगा, टोटल पर्सन के हाइट का सम आपको ये निकलेगा इतना, ये ले आपको ये बाई क्या कर रहा है सिग्मा, एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन का वैल्यू देखिए सिग्मा एक्स आई आपको सी, अब आपको मीन कितना दिया हुआ, मीन 150, आई एन का वैल्यू 5, मतलब टोटल 5 स्टूडेंट के हाइट का सम आपका निकल दिया 750 cm आपका cm। आप देखिए अब आपको न्यू एवरेज या न्यू मीन पर ध्यान दें, न्यू मीन या एवरेज इक्वल टू क्या होगा, आपको 5% के टोटल हाइट का सम 750, आपको एक पर्सन इन किया उसका हाइट क्या दिया हुआ 156, टोटल पर्सन कितना हो गया 5, एक और स्टूडेंट आपका ज्वाइन किया 6, 156 तो क्या हो जाएगा 6 0 5 प्लस 7 8 9 6
क्या हो जाएगा 151। मतलब न्यू मेन आपको निकल गया, न्यू मेन आपका निकल गया 15, न्यू 151, सॉरी 151, न्यू मेन निकल गया 151 cm। अब आपको निकला न्यू वेरियंस, वेरियंस आपका इक्वल टू क्या होता है, वेरियंस इक्वल टू वेरियंस इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू वन से आई बाई बाई एम माइनस मीन का होल स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर। अब देखिए अभी आपका वेरियंस कितना दिया हुआ है, वेरियंस आपका दिया हुआ है कहाँ दिया आपको 5 स्क्वायर एंड एवरेज है 156 है, वेरियंस 18, तो वेरियंस आपका 18 है, 18 लिखते हैं, 18 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई का वैल्यू हुआ से आई मीन। आपको न्यू आपका वो आपको मीन कितना निकला, मीन क्या किया हुआ था, मीन आपको और आपका एक मीन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था 150, मीन आपका 150 मीन। आपका दिया हुआ कितना 5% का मीन, आपका क्या लिखे 5% का मीन आपका नहीं लिखे हैं, दिया हुआ था 150, तो 150 का स्क्वायर इस प्रकार से सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर आई वन आई इक्वल टू 18 प्लस 200 होगी, तो आपका यही निकल गया सिग्मा आई का वैल्यू 1 से आई एक्स आई कितना हो जाएगा 2251। ये निकल गया। अब आपको वेरियंस, न्यू वेरियंस ये आपको 5 स्टूडेंट के हाइट के स्क्वायर का सम निकला। अब निकालना पड़ेगा न्यू वेरियंस, निकालने के लिए आपका न्यू मीन तो निकाल दिए हैं, न्यू मीन निकला हुआ न्यू वेरियंस न्यू वेरियंस न्यू वेरियंस। अब देखिए न्यू वेरियंस आपका इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू क्या निकला 2251 प्लस 1% और है आई किया है 150 अच्छी 1% आपका इन किया है जिसका आपको हाई आपको हाइट क्या दिया हुआ 156, तो 156 का होल स्क्वायर 156 का होल स्क्वायर बाई एम तो कोई लिखे हैं ऐसे वेरियंस या 5 स्टूडेंट फॉर्मूला लिखे हैं। अब आपको 5 स्टूडेंट
का आपको वेरियंस 5 स्टूडेंट के हाइट का, हाइट के स्क्वायर का सब ये निकला, और एक नया स्टूडेंट का हाइट का तो 156, ये हाइट के स्क्वायर का सब है, तो इसको छठा व्यक्ति का भी आपको हाइट का स्क्वायर कर दिया करके सब टोटल पर्सन कितना हो जाएगा 6 माइनस न्यू मीन, न्यू मीन क्या है 151 न्यू मीन इसमें बैठा दिए न्यू मीन। अब इसी को आप सॉल्व कर ले, इसी का सॉल्व टू टू एट टू वन उसको सॉल्व करें और आपको 151 का स्क्वायर 22801 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 20, मतलब न्यू वेरिएंस आपका 20, न्यू वेरिएंस आपका 20 निकला। वो आप लोगों को आज जे मेंस का आपका क्वेश्चन जो आपको सोल्व करवाया गया, जो आपको प्रीवियस ईयर में आया था, आपको 9 जनवरी 61 आपको 2019 का आपको जनवरी में हुआ था शिफ्ट वन का, आपको ये आपको दिया गया है, बताया गया। जो बच्चे जे मेंस के तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे आपको जे मेंस के एग्जामिनी हैं, वह स्टूडेंट आप लोग ये सब बनाइएगा, बहुत यूजफुल चीज है, और आप लोग मतलब कि आप लोग इसको बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आप एक्सप्लेन करके बतलाए हैं आपके पास, आपको तेजी से बनाना है तो हमको समझाना रहता है, तो वह थोड़ा थोड़ा तेजी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। और वह जेई मेंस के तैयारी जो आप बच्चे जेई मेंस के एग्जामिनी है, वो स्टूडेंट अपना ये समय ढंग से देखें। जो स्टूडेंट जेई मेंस के तैयारी कर रहे हैं, आपको 11th में पढ़ रहे हैं वह बच्चे आपको स्टार्टिंग किए हैं, वह भी आपको सरसरी नज़र से जो टॉपिक पढ़ाई हो गया उससे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन यदि है तो देखिए समझिए। और जो बच्चा 12th के स्टूडेंट है उन लोग स्टूडेंट भी ये सब किसी भी बोर्ड के 12th का स्टूडेंट एंड 11th का स्टूडेंट आप लोग देखिए क्या है। यदि मैथी नहीं समझिएगा, नहीं बनेगा, तो आप किसी भी क्षेत्र में सबसे सक्सेस करने में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, इसलिए मैथ बहुत ही जरूरी चीज है। और बुआ हम लोगों को बुआ हिम्मत आप बढ़ाइएगा, तब हम लोग आपको इसको आपको रेगुलर रखेंगे। हिम्मत बढ़ाने के लिए आप लोग सिर्फ कीजिए, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको एक नंबर आपको आज हम किए आपको 11 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 11, कल आपको आगे बढ़ावेंगे, आपको 11 से आगे बढ़ावेंगे, आपको ये आपका रेगुलर चलेगा। जो बच्चे आपको रेगुलर पर मतलब कि देखना चाहते हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। 12 का स्टूडेंट एंड आप 12 का स्टूडेंट किसी भी बोर्ड का रहे हैं या 11 का स्टूडेंट किसी भी बोर्ड का, वो सभी बच्चे आपको ये सब देखें समझें। आज का इतना ही, थैंक्स।